दूर हो जाओ मेरे से, दूर हटो मेरे से। ये कातिल है, ये खूनी है, इसने अपनी बेटी को मारा है क्योंकि इसकी मां को बेटा चाहिए था। नफरत थी उसे बेटी से, इसने, इस शख्स ने अपनी मां की खातिर बेटी को मार दिया। चुप हो जाओ सफीना। मैं चुप नहीं होंगी, मैं बोलूंगी, मैं चीख चीख कर बोलूंगी। अब मुझे कोई चुप नहीं करा सकता। इसने मारा है, इसने मारा है मेरी बेटी को। सबर करो बेटा, इसमें हुनैद बेचारे का क्या कसूर है? ऊपर से यही लिखा हुआ था। नहीं लिखा था ऊपर से, ये इसकी माँ ने लिखा था। ये पता है आपको, उस घर में इंसान नहीं है बसते, मुर्दे बसते हैं वहां पे, कब्रिस्तान है, सिर्फ एक जिंदा इंसान है वहां, नूरजहां। मैं नहीं जाऊंगी अब उस घर में वापस। आप लोग मुझे लेकर जाएं इधर से, और अगर आप लोग मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे तो मैं किसी यतीम खाने चली जाऊंगी, दारुल अमान चली जाऊंगी, पाम खाने चली जाऊंगी, पर मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, इस शख्स के साथ नहीं जाऊंगी। अच्छा अच्छा, तुम कहीं नहीं जाओगी, अपने घर जाओगी, हमारे घर। चुप चुप मेरे बेटा, चुप चुप सफी, निकल जाओ यहां से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। चले जाओ यहां से, इस वक्त चले जाओ, प्लीज इस वक्त चले जाओ यहां से। बेटियों की वजह से तो बड़े बड़े बादशाह मात खा गए। एक बहुत ही ताकतवर बादशाह था, बहुत अनापरस्त, बहुत मगरूर, खूबसूरत, ऊंचे लंबे कद का मालिक, लेकिन उसके महल के दरवाजे ऐसे थे कि उसे जरा झुककर दाखिल होना पड़ता था। जब भी अंदर दाखिल होता उसके चेहरे पर नागवारी छा जाती। अपने वजीर से कहा मजदूरों को बुलाओ। वजीर ने मजदूर बुलाए, उन्हें कहा मेरे दरवाजे ऊंचे कर दो, इतने ऊंचे कि मैं जितनी बार भी अंदर दाखिल हूं सर उठाकर अंदर दाखिल हूं। अभी वो हुक्म की तामील करने ही लगे थे कि दाई आती है, खबर देती है कि बेटी पैदा हुई। जानते हो हुनैद, ये सुनकर उस बादशाह ने क्या किया? उसका सारा गुरूर झाग की तरह बैठ गया। वजीर से कहता है मजदूरों से कहो दरवाजे नीचे कर दें, इतने कि मुझे और झुककर अंदर दाखिल होना पड़े, क्योंकि अब मैं बेटी का बाप हूं। बेटी ने एक बादशाह को झुका दिया। तो हुनैद, तुम तो एक आम से इंसान हो, पता है अगर तुम्हारे यहां बेटी हो जाती तो तुम्हें ऐसे ऐसे हकीर कमतर लोगों से नजरें झुका कर मिलना पड़ता, बात करनी पड़ती, उनके नखरे उठाने पड़ते बेटी की वजह से। मुझे देखो मेरी जान, मैं अपने बेटों की वजह से सर उठा कर चलती, किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरी किसी भी बात की नफी कर सके। मैं अपने कमरे में जा सकता हूँ माँ? हाँ जा, आराम करो। आंटी पाल लेगा बस। बस ना, मैं आ गई हूँ ना तुम्हारे पास, अपनी बेटी के पास। मत रो, मत रो, चुप कर जाओ। क्यों रो रो के खुद को हलकान करे, बस मैं हूं ना तुम्हारे पास, लो पानी पियो। डैड ने
मुझे मुराद ने सब कुछ बता दिया, जाओ। मेरा एक सवाल है तुमसे, कितना दम है तुम्हारी मोहब्बत में? अच्छा फर्ज करो भाई साहब किसी सूरत राजी नहीं होंगे, तो फिर रह सकती हो मुराद के बगैर? आंटी मैं मुराद से बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैंने फैसला किया कि शायद वापस दुबई जाना ही मेरे लिए बेहतर है। इसका मतलब है भाई साहब की ज्यादतियों के आगे तुम सरेंडर कर चुकी हो, तो मेरा आना फजूल था। आंटी मेरे पास और क्या जा रहा है, अगर सरेंडर ना करूं तो क्या करूं मैं? चारा है ना तुम्हारे पास, मुराद से निकाह कर लो। डैड के बगैर? नहीं, लेकिन उनको धोखा नहीं दे सकती। ऑलरेडी हमारे दरमियान इतना डिस्टेंस है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है ना तुम्हारे पास, तुम मुराद से निकाह कर लो, मैं करवाऊंगी तुम्हारी शादी तुम्हारी सरपरस्त बनके, अपने घर से मां बनके। उसके बाद तो भाई साहब बाउंड हो जाएंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। हाँ ज्यादा से ज्यादा चीखेंगे चिल्लाएंगे, लेकिन तुम उनके इख्तियार से बाहर निकल चुकी होगी। मेरी मिसाल ले लो, जब हमारी शादी हुई तो भाई पर से उनका इख्तियार खत्म हो गया था। लेकिन उन्होंने आपको कबूल भी तो नहीं किया था। बेटी में और भावज में बहुत फर्क होता है, और फिर वो मुझे कबूल करते ना करते मुझे कोई परवाह नहीं थी। मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई थी ना, मैं और इख्तियार शाह बहुत खुश थे आपस में, और तुम देखो मोहब्बत आज भी कायम है। तुम भी तो मुराद से मोहब्बत करती हो ना, चलो मेरे साथ। मैं सोचती हूँ। सोचने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास, मैं फैसला करना है अभी और इसी वक्त। दिलों के फैसलों में देर की गुंजाइश ही नहीं होती, या आज या फिर कभी नहीं। मैं आज आई हूं, कल नहीं आ सकती। मैं सामान लेके आती हूँ। कैसा सामान? मैं तुम्हें अपनी बहू अपनी बेटी बनाकर ले जा रही हूँ, तुम्हें इस घर से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। सुंबल बस कर दो ना, छोड़ दो ये सब कुछ, वो लोग आने ही वाले होंगे। बस हो गया अम्मा, छोड़ दो ना मैं कह रही हूँ। चलो हुनैद क्या कर रहे हो तुम लोग? अम्मा सब हो गया, बस वो लोग रास्ते में, आप हीरो को बुलाएं, मैं एक और कॉल करके आता हूँ, ख्याल से वो बस आने ही वाले हैं। हेलो। अच्छा हुआ तुम आ गई, शहनाज चली गई है, अब सारे घर का बोझ जो है वो सुंबल पे है। मैं तुम दोनों में आधा आधा काम बांट दूंगी, अब तुम उसका हाथ बटाया करो। और हाँ तैयार हो जाना और ड्राइंग रूम में आ जाना। मैंने सुबह ही चेंज किया अम्मा। अरे भाई काम वाले कपड़े पहनो और ड्राइंग रूम में आ जाओ। खैरियत? इतने सवाल जवाब करने की क्या जरूरत है, जो मैं कह रही हूँ वो कर लो। ठीक है बेटा ड्राइंग रूम में आ जाना। ठीक है